दोस्तों मैं आज आया हूँ प्रकाश कला मंदिर दादर में, और वहाँ पर आज सर मिल रहे हैं। सर हेलो। तो आज हम देखने वाले नया बॉडी आर 10। मेरा नाम गणेश है, गणेश मैकर, और मैं प्रकाश कला मंदिर में कैनन की तरफ से डेमो के तो आप क्या बताना चाहते हो आर 10 के बारे में? आर 10 अभी एक रिसेंटली लॉन्च किया कैनन का नया मॉडल है, आर 10 मिररलेस कैमरा है। दो वेरिएंट मिलेंगे इसमें आपको, एक 18-150 लेंस के साथ और दूसरा आएगा 18-145 लेंस के साथ। अभी जो मेरे हाथ में है वो 18-150 लेंस के साथ कैमरा है। स्पेसिफिकेशन इस तरह से है, कैमरा 24 मेगापिक्सल सीमॉस सेंसर के साथ है। डिजिक एक्स जो अभी तक का कैनन का लेटेस्ट प्रोसेसर है वो है। उसके बाद में इसमें आपको पैरी एंगल डिस्प्ले मिलेगा, टच स्क्रीन है। ऑटोमेटिक व्यू फाइंडर है जहाँ पे आपको सेंसर दिया है, तो आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है। और वीडियो के लिए सबसे बेस्ट है, इसमें आप 4K 60fps में शूट कर सकते हो विद 12 पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम 2। पहले 12 पिक्सल ऑटो फोकस आता था, अभी 12 पिक्सल ऑटो फोकस वर्जन 2 है, जिसमें आपका फोकस कंटिन्यूस ट्रैकिंग में रहेगा विद आई डिटेक्शन एंड एनिमल आई डिटेक्शन। तो जो वेडिंग कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं वेडिंग फोटोग्राफर, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ करना चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट इकोनॉमी ऑप्शन है। और क्या इसका और सबसे बढ़िया और सबसे बढ़िया बात यह है कि फर्स्ट टाइम इस लेवल के कैमरे में आपको 12 पिक्सल ऑटो फोकस वर्जन 2 मिल रहा है, जो अभी तक का सबसे बेस्ट ऑटो फोकस सिस्टम है। 12 पिक्सल ऑटो फोकस में आपको कहीं भी एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट में जाते वक्त जो फोकस का लैग आता है वो कहीं नहीं आएगा। आई डिटेक्शन है, एनिमल आई डिटेक्शन है। अगर आई आपका एक्सपोज नहीं हो रहा है तो आपका फेस डिटेक्शन होगा, अगर फेस भी नहीं हो रहा है तो आपका हेड डिटेक्शन है। उसके बाद में बॉडी डिटेक्शन है, मतलब आपका ह्यूमन जो रहेगा वो कम्प्लीटली फोकस में रहेगा। और एक कितना कितने पॉइंट एफ है इसमें? इसमें 4700 ऑटो फोकस पॉइंट पोजीशन है और 651 ऑटो फोकस पोजीशन इसमें ऑटोमेट काम करेंगे। और इसमें आईबीस दिया हुआ है? इन बॉडी में स्टेबलाइजेशन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक बेस पे स्टेबलाइजेशन काम करेगा। तो आपको यानी समझो आर 10 है तो आर 7 में तो दिया हुआ है। हाँ, तो लोग ये क्यों ले? कैसे सर, देखो दो अलग अलग लेवल के कैमरास है। दिस इज फॉर अमेच्योर। हाँ, दिस इज फॉर अमेच्योर। और जो इससे पहले मैं कहूँगा कि जो पहले 70 Mark II था हमारा कैमरा, जो वाइल्ड लाइफ में सबसे ज्यादा मशहूर था, तो उसके लेवल में आपको आर 7 मिलता है, जिसका बॉडी भी आपको वेदर सील मिलता है, दो कार स्लॉट आते हैं और उसमें इन बॉडी में स्टेबलाइजेशन भी दिया हुआ है। तो वो एक कैमरा अलग लेवल पे स्टैंड होगा, ये अलग लेवल पे स्टैंड होगा। कॉम्पैक्ट और लाइट वेट बॉडी है, प्लस इसमें काफ़ी सारे कंट्रोल हमें मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दो कंट्रोल डायल दिए हैं जो अपर्चर शटर के लिए जाएगी। बाद में यहाँ पे आपको जॉयस्टिक मिलता है जहाँ से आप ऑटो फोकस पॉइंट काफ़ी इजीली स्विच कर सकते हो। बाद में यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स दिए हैं और सारे के सारे बटन्स कम्प्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो आप। मतलब अगर कोई फंक्शन आपको यहाँ पे शॉर्टकट में देना है, ऑटो फोकस का हो गया या फिर ISO का हो गया या फिर केल्विन का हो गया, तो ये डायल के ऊपर या फिर मोड के ऊपर आप दे सकते हो। प्लस एक एडिशनल फीचर्स ऐड हुआ है बॉडी में, वो मतलब है ऑटो फोकस का। ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस लेंस की जगह पे आप बॉडी से भी ऑपरेट कर सकते हो। और यहाँ पे एक और बटन है जिसको आप और भी कस्टमाइज कर सकते हो। नॉर्मली पहले ये डेप्थ ऑफ फील्ड का बटन आता था, डेप्थ ऑफ फील्ड, जो ये बटन भी अभी आप कस्टमाइज कर सकते हो किसी और फंक्शन के लिए। तो सारे कंट्रोल आपके हाथ में आ गए। थैंक यू वेरी मच सर। आपको आर 10 के बारे में क्या बोलना है? आर 10 ये जो कैमरा है कैनन में, पहले 80D बोल के कैमरा आता था, तो 80D कैमरे का रिप्लेसमेंट मिररलेस में आर 10 कैमरा कर रहा है और ये बजट बाय में आ रहा है लोगों के। तो आप सजेस्ट करेंगे? हाँ, कैमरा सीखना है, फोटोग्राफी जिसको कुछ सीखना है वो हिसाब से आर 10 अच्छा कैमरा है। एंट्री लेवल में आपको 18-45 का भी ऑप्शन है और 18-150 का भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आर 10 में अवेलेबल है। तो आपको फोटोग्राफी सीखने के लिए फर्स्ट स्टेप कैमरे के लिए हिसाब से आर 10 बेस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।